पति पत्नी का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। विश्व में यही एक रिश्ता ऐसा है प्यार का, विश्व में पहला ये रिश्ता है सांसारिक व्यवस्थाओं का, जो प्रकृति के निर्माण में सहभागी होते हैं। बहुत आसानी से करें पति को अपने वश में। ये एक नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रात में रख लीजिए, बस हो जाएगा आपका पति आपके वश में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि शादीशुदा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जीवन का एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर जाकर के व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। बचपन से बड़े सारे काम होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि विवाह होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों को भी बचपन से कहा जाता है अच्छा पढ़ लिख लो, बढ़िया विवाह होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी विवाह करना। लड़कियों को भी हर बात में टोका जाता है, लड़कों को भी हर बात में टोका जाता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो जीवन का एजेंडा विवाह करना है। अच्छा, कहीं का तक सत्य भी तो है ये। इस पूरे के पूरे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन क्या है? पढ़ाई करना, अच्छा बनना, किसके लिए? खुद के जब बच्चे होते हैं तो तुम्हारा परिवार बढ़ता है। वो होता कैसे? विवाह करने के बाद। विवाह के बाद आपका वंश आगे बढ़ता है। विवाह करने के बाद आपकी अपनी प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं। विवाह करने के बाद आप बड़े होते हो, आपकी आपका चिंतन और आपका वर्चस्व बड़ा होता है। इनका पोता, उनका नाती, इनका बेटा, उनका भतीजा, उनका, तो ये संबंध तब बड़े होते हैं जब वैवाहिक जीवन सबके बेहतर चले हो। हम सबके माँ बाप का जीवन अच्छा चला तो हम लोग इस दुनिया में हैं। हमारा बेहतर चलेगा तो हम आगे प्रकृति को कोई नई शक्ति, एनर्जी, पावर और आत्मा दे पाएंगे। ये पूरा का पूरा एक सिद्धांतिक व्यवस्था है। और कदाचित वैवाहिक जीवन ठीक ना चले, शादी अच्छी ना चल रही हो, विवाह ठीक ना चल रहा हो, दुष्ट पति मिल गया हो, या पत्नी उल्टा मिल गई हो, या बहुत अव्यवस्थित जीवन हो गया हो, तो एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे जीवन में, पूरे के पूरे परिवार में कलहप्रिय वातावरण हो जाता है। रोज के झगड़े, रोज का फसाद, रोज का विवाद, आसपास के लोग तक व्याकुल हो जाते हैं कि भाई क्या ही लोग आके आसपास बस गए ना। चूंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्तिवान कौन होगा, सुखी कौन होगा, समृद्धशाली कौन होगा, बहुत बेहतरीन कौन होगा, खुशियां कौन पाएगा, कौन कौन सुखी हो पाएगा, किसके जीवन में संपन्नता, व्यवस्था और बेहतरीन चीजें आएंगी? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वहां नाना प्रकार की विपत्तियां होंगी और कुमतियां, जहां कुमति मतलब जहां झगड़े हैं, जहां फसाद है, जहां अव्यवस्था है, जहां विश्वास की कमी है, जहां प्यार की कमी है, जहां अपने लोगों को कोई देखना नहीं चाहता, जहां पर दुष्टता की थोड़ी बहुतायतता है, वहां सब खराब होने लग जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये एक नंबर तकिए के नीचे रखकर सो जाए, बहुत आसानी से अपने पति अपनी पत्नी को वश में कर ले। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रख दे, आपका पति आपके चरणों में होगा। मैं कह रहा हूं कि पति को अपने वश में करना हुआ बहुत आसान, कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब आपको करना क्या है उसको गंभीरता से और स्पष्टता से समझने की कोशिश करें। आपको महावर लेनी है। महावर समझते होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, जो पैरों में लगाते हैं, स्त्रियां पैरों में रंग लगाती हैं, उसको महावर भी कहते हैं, उसे लेना है। और आप अपने बाएं पैर में नीचे तलवों के नीचे महावर लगा करके कागज पर छाप लीजिए। छापने के बाद ये काम दिन में कर लीजिए, छापने के बाद उसे थोड़ा सूख जाने दीजिए पेपर को। पेपर जब पूरी तरह से सूख जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ तीन बार में कुछ नंबर है उसे आपको लिखना है। 92 72, पहले लिखना है 92, फिर 72, फिर 36, ये ऊपर नीचे नीचे ऐसे लिखना है। पंजे की तरफ पहला नंबर,
फिर पंजे के बाद नीचे बीच का बीच वाला नंबर, फिर सबसे नीचे नीचे का नंबर, और ऐसा करके उसे तीन ही भाग में फोल्ड कर दीजिए। तीन बार में फोल्ड करने के बाद अपने पति का नाम बोल करके बोलिए, चरणानुरागी भवम महम, चरणानुरागी भवम महम, ऐसा बोलना है। उनका नाम लीजिए और क्या बोलिए, चरणानुरागी भवम महम, चरणानुरागी भवम महम, ऐसा 5 से 7 बार बोलिएगा। 11-21 तक भी जाया जा सकता है, अधिक मत बोलना क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा कहके तकिए के नीचे रख दीजिए। ये कदाचित अगर उसी दिन तुम्हारे और तुम्हारे पति एक ही बेड पर बैठे सोए हो तो और भी ज्यादा होता अच्छा है। उसी दिन अगर आपके संसर्ग होते हैं तो और कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और बड़ी खास बात, अगर कदाचित तुम्हारे बीच में संसर्गों की कमी है तो भी इससे बहुत बड़ा बल मिलता है। और खास बात, अगर पति के बेड के बाएं साइड वाली तकिए के अंदर करके तुम रख दो और तुम ना भी सो तो भी बहुत बड़ा काम करता है। ये बेड के बाएं हिस्से में इसको रखना है, बाईं तरफ सोना है आपको। उस दिन आप सो रहे हैं तो भी, नहीं सो रहे हैं तो भी, आप वहां हैं तो भी, नहीं है तो भी, और आपके खुद के बेड पे बाईं तरफ रख दें वो नहीं है तो भी, बहुत फर्क पड़ेगा। ओवरनाइट एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लग जाएंगी। प्रकृति को आदेश देना शुरू कर दो, तुम सावित्री से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता है कि तुम उसे अपने चरणों में रख सको। तुम माँ हो, तुम जननी हो, तुम विश्व में जितने भी लोग घूम रहे हैं तुम्हें उत्पन्न करने की क्षमता है। परमात्मा ने तुम्हें भगवान बना करके भेजा है और तुम सामान्य बनकर रह रहे हो। सहनशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं स्त्री होना क्या? सहनशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं स्त्री होना। स्त्री अपने अंदर से, अपने शरीर से एक और स्त्री और एक और पुरुष या असंख्य स्त्री पुरुषों को जन्म देने की क्षमता रखती है, यानी निर्माण करने की क्षमता रखती है। स्त्री के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विद्यमान है। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। स्त्री तीनों ही काम कर रही है, स्त्री ही भगवान है। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। तो मानो तो सही, इस मान्यता को अपने अंदर आने दो और फिर देखो ये उपाय कितना काम करता है। आशीर्वाद पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, बहुत ढंग से करने से ये उपाय बहुत कारगर होता है। ये उपाय सबसे ज्यादा काम करता है अगर कदाचित रविवार और मंगलवार में किया जाए। टोटके रविवार मंगलवार को थोड़े ज्यादा कारगर हो जाते हैं। इन दिनों में किया हुआ उपाय कई गुना फल पकड़ने लग जाता है। और अगर कोई विशेष मुहूर्त हो तो कहना ही क्या। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बस तुम रोना बंद कर दो, प्रीवियस लाइफ बताना बंद कर दो, और हाँ, निगेटिव होना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक, कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा, ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास, दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391 2929 2929। आयोजक श्री सदगुरुनाथ धाम परिवार जयपुर।